जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक हेल्दी। आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा का क्रिस्पी टी स्नैक पोहा आलू कटलेट। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पोहा कटलेट बनाने के लिए 2 कप पोहा ले लिया है। अब इस पोहा में पानी डालकर इसको वॉश कर लेंगे ताकि इसमें जो भी इम्प्योरिटी है वो ऊपर आ जाए। अब एक स्ट्रेनर लेकर सारा पानी ड्रेन कर लेंगे और पोहा वापस बाउल में डालकर इसको 2 मिनट के लिए भिगो देंगे। इससे ज्यादा हमें इसको नहीं भिगोना है। तो पोहे में जो मॉइस्चर था उसी से ये हल्का सा फूल गया है और सॉफ्ट भी हो गया है। अब इसको एक बड़े बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हमें पोहा को अच्छे से मैश करना है, तो हाथों की मदद से अच्छे से मसल मसल कर एक डो की तरह कर लेंगे। तो मैंने पोहा को अच्छे से मसल कर एक डो के फॉर्म में कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज के आलू को बॉईल करके उनका छिलका हटा लिया था और उन्हें मैश कर लिया है। अब इनको इसमें डाल देंगे। आप यहाँ पर आलू को ग्रेट करके भी ले सकते हो। इसको भी पोहा के साथ में अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें 2 हरी मिर्च को बारी बारी चॉप कर लिया था इसमें डाल देंगे। 1 इंच अदरक के टुकड़े को भी बारी बारी चॉप कर लिया है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, इसको चटपटा फ्लेवर देने के लिए 1 चम्मच ही अमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला भी डाल देंगे, स्वादानुसार नमक भी डाल देंगे और डो को बाइंड करने के लिए 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। सारी चीजों को डालकर अब इसको हाथों से मिक्स कर लेंगे। सारी चीजों को मिलाकर मैंने अच्छे से डो लगा लिया है। अब कटलेट बनाने के लिए डो तो तैयार है। अब इसके लिए एक स्लरी बना लेंगे। तो इसके लिए एक बाउल ले लेंगे, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और 1 चम्मच मैदा डाल देंगे, 1 चुटकी नमक भी डाल देंगे और 1 चुटकी ही काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब सारी चीजों को डालकर मिक्स कर लेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए फ्लोइंग कंसिस्टेंसी की स्लरी तैयार कर लेंगे। थोड़ा पानी और ऐड कर लेंगे। तो स्लरी भी तैयार है। यहाँ पर मैंने 5 ब्रेड की स्लाइस को मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डालकर पाउडर फॉर्म में करके ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। तो पोहा कटलेट बनाने के लिए हाथों को पहले ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर लेंगे और ये डो का थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर जिस साइज की आप पोहा कटलेट बना चाहो उसी के अनुसार पोर्शन लेकर हाथों के बीच में ऐसे घुमा लेंगे फ्लैट करके। आप इसको अपने अनुसार किसी भी शेप में बना सकते हो। मैं यहाँ पे गोल शेप में बना रही हूँ। आप रेक्टेंगल, स्क्वायर या फिर फिंगर्स या फिर गोल गोल बॉल बनाकर भी कर सकते हो। तो इस प्रकार सारे कटलेट बनाकर तैयार कर लेंगे या फिर इस प्रकार का कोई भी कप या ढक्कन लेकर उसमें ये बैटर फिल कर लेंगे। इसको हल्का ग्रीस कर लेंगे पहले ताकि निकलने में आसान रहे। और इस प्रकार से बनाने से सारे कटलेट एक ही साइज के बनेंगे। देखिए इस प्रकार से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस कप की सहायता से मैंने सारे कटलेट एक साइज के तैयार कर लिए हैं। गैस पर 1 कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इनको जो ये स्लरी बनाई थी इसमें डिप कर लेंगे। तो 1 कटलेट लेंगे और ये जो स्लरी बनाई थी इसमें इसको अच्छे से ऐसे डिप कर देंगे। ब्रेड क्रम में चारों तरफ से कोट कर लेंगे। कोट करके जो ये ऑयल गर्म होने के लिए रखा था ये मीडियम हॉट हो चुका है। अब इसमें इसको छोड़ देंगे और इसी प्रकार से एक बार में जितने कटलेट आएंगे स्लरी में डिप करके और ब्रेड क्रम में कोट करके इसमें छोड़ते जाएंगे। यहाँ पर हमें ऑयल को मीडियम हॉट ही लेना है और गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। अगर हाई कर दिया तो ये बाहर से तो फ्राई हो जाएंगी पर अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो सारा काम मीडियम फ्लेम पर ही करना है। एक तरफ से गोल्डन ब्राउन होने पर इसको दूसरी तरफ भी पलट देंगे। इसी प्रकार से
दोनों तरफ पलटते हुए गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई कर लेंगे। हमारा फर्स्ट बेस बनकर तैयार है, तो इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसी प्रकार सारे कटलेट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हमारा दूसरा बेस भी बनकर तैयार हो गया है, तो इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो हमारा क्रिस्पी पोहा कटलेट तैयार है। तो देखा आपने, बहुत ही आसानी से पोहा आलू कटलेट बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर एंड कमेंट करें। मेरे चैनल कुक हेल्दी को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ में बेल आइकन को भी टैप कर दें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में।